नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों की खर्च सीमा तय करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा में नगर पालिकाओं के लिए इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रस्तावित खर्च सीमा को मध्य प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है। जो नगर निकाय जहां 10 लाख के ऊपर की आबादी है, वहां के पार्षदों की सीमा खर्च करने की 8,75,000 उन्होंने उसमें तय करी है। 10 लाख से कम आबादी है उसमें 3,75,000, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग कैपिंग में जहां आबादी के हिसाब से पार्षदों का व्यय खर्च सीमा तय करने का निर्देश दिया है। हम राज्य निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हैं और राज्य शासन से भी ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सुझाव को वो अपनाएं। शासकीय मानकवर बाई महिला एवं कला महाविद्यालय में दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं से कॉलेज प्रबंधन सामान्य छात्रों की तरह फीस वसूल कर रहे हैं, जबकि ऐसे विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसके विरोध में इन छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को मिलकर ज्ञापन सौंपा और कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। एक ही विभाग द्वारा दो कॉलेज संचालित है तो अलग अलग कैसे फीस स्ट्रक्चर हो सकता है? इस संबंध में अभी प्रचार से हमारी चर्चा हुई। प्रचार कह रही है हमें शासन का निर्देश नहीं प्राप्त है और ना शासन का निर्देश प्राप्त होगा तो हम करेंगे, लेकिन हमें कोई टाइम बाउंड ये नहीं बताने के लिए तैयार हैं कि हम कितने समय में कर देंगे या नहीं करेंगे, जिसके कारण वार्ता अभी विफल हुई और हम सभी यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक प्रचार हमें ठोस आश्वासन नहीं देती तो फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। जबलपुर में आज मदन महल पहाड़ी में हाईकोर्ट के नीचे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 5,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए। 5,000 से ऊपर वृक्ष फलदार और आयुर्वेदिक पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें प्रकृति को यहाँ की पहाड़ियों को पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें हम लोगों के द्वारा अनेक संस्थाओं को जोड़ा गया है, जिसमें हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा समिति ने भी हम लोगों को बहुत अंदर तक सहयोग किया है और बहुत तहे दिल से हम लोगों का सहयोग करके इस क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ाया है। जबलपुर के बींजा डांडी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। यहां पर सांप द्वारा काटे गए बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। इसके विरोध में आज परिजनों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।